श्री राधे। तो आज हमारे यहाँ केशीघाट आज है 19 नवंबर 2023, और आप देख सकते हैं सामने। अब भैया ये स्मॉग तो नहीं है, ये फॉग है। बिल्कुल ठंड हो चुकी है, और अभी भी देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ जैकेट पहन के आया हूँ। काफ़ी ठंड है, और आप दर्शन कीजिए हमारे रड़ुआ महादेव जी के। जय जय श्री राधे। और यहाँ लग रही है परिक्रमा, और 21 तारीख यानी परसों, आज है 19, परसों है 19 तारीख यानी 21 नवंबर, उस दिन लगती है अक्षय नवमी की परिक्रमा, 3 वन की, वृंदावन, मथुरा और गरुण गोविंद। तो चलते हैं आगे देखने के लिए परिक्रमा मार्ग में। सुबह सुबह दर्शन करते हैं श्रीधाम वृंदावन के। राधे राधे। राधे राधे। ये आप देखिए भैया हमारे सामने आ चुके हैं, ये संजय भैया धाम वृंदावन X20 वाले। राधे राधे भैया। तो आपने देखा हम आगे परिक्रमा मार्ग में, और यहाँ लग रही है परिक्रमा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आगे। राधे राधे बाबा। राधे राधे। राधे राधे। परसों अपने लगाएंगे अक्षय नवमी की परिक्रमा, मथुरा वृंदावन और गरुण गोविंद। राधे राधे। राधे राधे भैया। जय जय श्री राधे। श्री राधा। और आगे आगे हमारे पक्षी, सुबह सुबह का आनंद। आप मतलब जस्ट एक इमेजिनेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप केवल वीडियो के माध्यम से इमेजिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ठंड यहाँ पर काफ़ी हो चुकी है। आप सभी वृंदावन आ रहे हैं तो गर्म कपड़े लेकर आएँ, ताकि आप आराम से श्रीधाम वृंदावन के दर्शन कर सकें, श्री ठाकुर जी के दर्शन कर सकें मंदिरों में जाकर। और सुबह सुबह यहाँ पर आप चीर घाट पर आ सकते हैं, यहाँ पर कबूतर हैं, और हमारी जो दूसरा पक्षी है उसको हम गिलगिलिया बोलते हैं, तो आप यहाँ पर आएँ, उनको दाना डाल सकते हैं, मस्त एकदम दाना खाएंगे कबूतर। देखो अभी ये बाजरा खा रहे हैं, अपने भी सुबह लेकर आते अब उनके लिए, जो सामने छोटे वाले पक्षी हो वो, ये देखिए है ना, ये उड़ गए उड़ गए उड़ गए। चलते हैं अपने दोबारा केशीघाट की तरफ, फिर मिलते हैं आपसे वहीं पर। और यहाँ लग रही है परिक्रमा, फिर मैं आपको बता दूँ वृंदावन धाम की।
Tadi di bawah. तो यहाँ पर एक बंदर था बीमार वाला, उसको जो हमारे भैया थे उन्होंने कंबल उड़ा दिया क्योंकि ठंड पड़ रही है काफ़ी। आपने वीडियो में देखा होगा पहले रात के समय में उसका बंदर का रेस्क्यू किया था।